अगला हमारा प्रोनाउन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण कर देना, बांट देना। तो ऐसे प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, वितरण या कुछ बांटने की बात करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कह देते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट को आज एक एक चॉकलेट दी जाएगी, प्रत्येक स्टूडेंट को दी जाएगी, मैं डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा हूँ। एक सेंटेंस अगर मैं ये लिखूँ, ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन ए चॉकलेट। एक सेंटेंस आपके सामने है, ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन ए चॉकलेट, प्रत्येक विद्यार्थी को एक चॉकलेट दी जानी चाहिए। अब यहां पर ईच जो है, प्रत्येक विद्यार्थी को एक चॉकलेट दी जानी चाहिए, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक। तो अब ये ईच हमारा क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटिव बना। लेकिन इस वक्त ईच जो है, गौर कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या? पहली चीज तो ये प्रोनाउन है क्या? जी नहीं। आगे क्या मौजूद है हमारे पास? नाउन मौजूद है, और इस तरह से नाउन के साथ जो आता है वो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बनता है। इस वक्त ईच जो है हमारे लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा। ईच स्टूडेंट शुड बी गिवन ए चॉकलेट, प्रत्येक स्टूडेंट को चॉकलेट दी जानी चाहिए। इस वक्त ईच हमारे लिए क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैं इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से लिखूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ए चॉकलेट। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखता हूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन ए चॉकलेट, विद्यार्थियों में से प्रत्येक को चॉकलेट दी जानी चाहिए। अब गौर कीजिएगा, ईच अब क्या बनकर यूज हो रहा है? ईच, प्रत्येक, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से ईच, प्रत्येक को, तब उस विद्यार्थी को मैं ईच कहकर संबोधित कर रहा हूं, नाउन के बिना, नाउन के स्थान पर। तो अब हमारा ये क्या बन गया? प्रोनाउन, कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से प्रत्येक को चॉकलेट दी जानी चाहिए। यहां हम जो है ईच से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करवा रहे हैं, यानी ईच यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, वितरण की बात कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ईच बात तो वही कर रहा है, प्रत्येक स्टूडेंट को चॉकलेट दी जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन को ही शो कर रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो है एडजेक्टिव है, इसलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बन सकते हैं अगर नाउन के साथ आते हैं। नाम इनका डिस्ट्रीब्यूटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि काम इनका वही है। तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। अब यहां एक चीज गौर कीजिएगा, यहां एडजेक्टिव बनने में और प्रोनाउन बनने में थोड़ा सा अंतर आ गया है वाक्य में। यानी जब ये ईच जो था एडजेक्टिव बन रहा था, तो अपने तुरंत बाद जो नाउन ले रहा था वो सिंगुलर का ले रहा है या प्लूरल का ले रहा है? ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, ईच यानी कि जब एडजेक्टिव बना है तो अपने बाद में नाउन कैसा ले रहा है? सिंगुलर का ले रहा है। नाउन जो है ये सिंगुलर का ले रहा है, ये नाउन यहां पर कैसा ले रहा है? सिंगुलर का ले रहा है, ठीक। लेकिन जब मैंने इसको प्रोनाउन बनाया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑफ लगा के मैंने स्टूडेंट्स को अलग किया, ईच प्रत्येक, और किस में से? एक विद्यार्थी में से प्रत्येक या विद्यार्थियों में से प्रत्येक? विद्यार्थियों में से प्रत्येक, ऑफ के बाद में फिर क्या लगा हमारे पास? ये बहुवचन का नाउन लगा। तो यानी कि प्रोनाउन बनाने के लिए मैंने बीच में क्या लगाया? ऑफ लगाया, ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थियों में से प्रत्येक। तो यानी कि ईच जब प्रोनाउन बनता है, आगे ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल का ही आना है। तो यह एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनने में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा उस चीज के ऊपर। एडजेक्टिव बनेंगे, तुरंत बाद नाउन लेंगे, तो वो नाउन सिंगुलर का होगा, लेकिन इनके साथ ऑफ का प्रयोग होगा, इनको प्रोनाउन बना दिया जाएगा, तो अब जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल का होगा। विद्यार्थियों में से ईच प्रत्येक, क्योंकि बहुवचन में से ही प्रत्येक छांटा जाएगा, एक वचन में से एक तो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, एडजेक्टिव के तौर पर क्या ले रहा है? ये सिंगुलर लेता है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए ये चीज। फिर से दो सेंटेंस आपके सामने हैं, नाइदर टीम प्लेड वेल, दोनों में से कोई सी भी टीम अच्छा नहीं खेली। नाइदर ऑफ द टीम्स प्लेड वेल, दोनों टीमों में से कोई सी भी अच्छा नहीं खेली। ऊपर वाले सेंटेंस में नाइदर क्या बनकर यूज हो रहा है?
आगे क्या मौजूद है, नाउन, तो यानी इस वक्त ना इधर हमारे लिए क्या बन गया, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो है वो साथ साथ चल रहे हैं प्रोनाउन के, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। Neither team played well, कोई से भी टीम अच्छा नहीं खेली, तो अब neither हमारे लिए क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव बनता है और तुरंत बाद ये जो शब्द आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर का होगा, neither team played well, कोई से भी टीम अच्छा दोनों में से नहीं खेली। अब यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में neither पे गौर कीजिएगा, neither of the teams played well, टीमों में से दोनों टीमों में से कोई सी भी अच्छा नहीं खेली। अब नाइदर कोई सी भी अच्छा नहीं खेली, अब नाइदर नाउन के साथ है, नाउन से दूर नाउन के बिना है, नाउन के बिना है, तो अब हमारा ये क्या बना, प्रोनाउन। अब जो ऑफ लगा के हमने उस नाउन को अलग किया, नाइदर कोई सी भी नहीं, ऑफ द टीम्स टीमों में से, अब एक टीम में से है, टीमों में से कोई सी भी नहीं, तो अब जो ऑफ के बाद जो शब्द आएगा वो जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, बहुवचन का आएगा, आगे बहुवचन ही है कि नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन रहा, प्रोनाउन। ये हमारा यहां पर क्या बन गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव बनने में हल्का सा अंतर है, एडजेक्टिव बनेगा तुरंत बाद नाउन लेगा, सिंगुलर का होगा, और अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हो और अगर इसको प्रोनाउन बनाकर यूज किया जाएगा तो ऑफ के बाद में जो शब्द आना है वो कैसा आएगा, बहुवचन का आना है। ठीक, अब इन चारों में से एवरी को मैं सर्किल कर रहा हूं, मैं गोला लगा रहा हूं, क्यों मैंने इसको गोला लगाया है ये अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसकी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं पहले। फिर से दो सेंटेंस आपके सामने मौजूद हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन। आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कों में से कोई एक जो है लीड टू द स्टेशन, स्टेशन तक जाती है। दूसरा है, नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई सा भी आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में आइदर क्या बनकर यूज हो रहा है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, नाउन है क्या इसके पास, नहीं है, यानी ये हमारा क्या बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है। आइदर ऑफ द रोड्स, सड़कों में से कौन सी वाली, तो ऑफ के बाद में जो शब्द आना है वो एकवचन आना है या बहुवचन, बहुवचन ही आना है, और ये बहुवचन ही है, यानी आइदर हमारा प्रोनाउन बन रहा है, ऑफ के पश्चात बहुवचन ही लेना है। आइदर दोनों में से, आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कों में से आइदर कोई सी भी एक, आइदर का प्रयोग दोनों में से कोई भी एक इस अर्थ में होता है, तो आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कों में से कौन सी वाली, ऑफ के बाद बहुवचन आना है, बहुवचन ही है, यहां तक हमारा वाक्य सही है। आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कों में से कोई सी भी एक जो है वो स्टेशन तक जाती है। अब यहाँ सड़कें जो है वो दोनों ही जा रही है, दोनों में से एक जा रही है, आइदर दोनों में से एक, तो सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, दोनों में से एक ही सड़क जा रही है, तो क्रिया हमारी क्या आएगी यहां पर, लीड होगा, या सिंगुलर के हिसाब से लीड्स होना चाहिए। जी हाँ, सिंगुलर के हिसाब से हमारे लिए क्या होगा, लीड्स होगा, तो ही सेंटेंस सही होगा, यानी कि आइदर ऑफ, ऑफ के पश्चात जो शब्द है वो कैसा आना है, बहुवचन का आना है, लेकिन ये बात एक बार में एक की ही करते हैं, इसलिए क्रिया कैसी होती है यहाँ पे, सिंगुलर होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं और एक बार में एक को ही रेफर करते हैं, इसलिए वर्ब ये कैसी लेंगे, सिंगुलर की लेंगे। तो आइदर ऑफ द रोड्स, दोनों सड़कों में से कोई सी भी एक जो है वो जाती है, तो एक की बात कर रहे हैं जो कि स्टेशन तक जाती है, तो इसके साथ क्रिया कैसी आती है, सिंगुलर की ही आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑफ के पश्चात आने वाला शब्द बहुवचन का होगा, लेकिन वो जो क्रिया होगी वो इनके साथ कैसी होगी, सिंगुलर की होती है। नीचे वाला सेंटेंस है, नाइदर ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। नाइदर क्या बनकर यूज हो रहा है, जी हाँ, प्रोनाउन बनकर यूज हो रहा है, और ऑफ के पश्चात जो शब्द आएगा वो एकवचन का आना है या बहुवचन का, बहुवचन का ही आना है। दोनों लड़कों में से कोई सा भी नहीं, तो बहुवचन में से ही हमने निकाला है, तो यहां भी सही है, लेकिन क्रिया एकवचन की होनी है या बहुवचन की, जी हाँ, क्रिया इनके साथ सिंगुलर की होती है, तो आर इंटेलिजेंट या इज इंटेलिजेंट, यहां पर क्रिया हमें सिंगुलर करनी पड़ेगी, इज इंटेलिजेंट। तो यहां एक रूल बन जाता है कि आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, ऑफ के पश्चात जो शब्द आएगा वो हमेशा कैसा होगा, बहुवचन का होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर की होगी, यानी ऑफ के पश्चात आने वाला शब्द ही प्लूरल होगा, बाकी आगे सब कुछ सिंगुलर में ही चल रहा है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इस बारे में। एक सेंटेंस आपके सामने है, नाइदर ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तीनों कैंडिडेट्स में से कोई सा भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, योग्य नहीं है, एलिजिबल, योग्य नहीं है। चेक कीजिएगा, नाइदर क्या बनकर यूज हो रहा है,
एडजेक्टिव है क्या? जी नहीं, यहां पर ये क्या बन रहा है? प्रोनाउन बनकर यूज हो रहा है। ऑफ के पश्चात जो शब्द आएगा एकवचन का आना है या बहुवचन का? थ्री कैंडिडेट्स बहुवचन का ही है। और वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर, तो वर्ब हमारी कैसी है यहां पे? सिंगुलर ही है। सेंटेंस सही है क्या? सेंटेंस यहां पर हमारा गलत है। हमारा नियम सही है कि नाइदर ऑफ के पश्चात बहुवचन आता है, बहुवचन ही हमने रखा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है और वर्ब सिंगुलर ही रखी है। लेकिन नाइदर का मीन क्या होता है, नाइदर का अर्थ क्या होता है? दोनों में से कोई सा भी नहीं। यानी नाइदर और आइदर, नाइदर दोनों में से कोई सा भी नहीं, आइदर दोनों में से कोई सा भी एक। आइदर और नाइदर का प्रयोग हम सिर्फ दो के लिए करते हैं, दो वस्तु हो, दो इंसान हो, हम केवल दो के लिए करते हैं। दो से ज्यादा होते ही नाइदर का प्रयोग नहीं होता। यहां पर कितने हैं हमारे पास? थ्री कैंडिडेट्स, तीन हो गए, तो अब नाइदर का प्रयोग करना गलत है। दो से ज्यादा होते ही फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? नन का प्रयोग करते हैं। नाइदर फिर नन में बदल जाता है। नन ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स, तीनों कैंडिडेट्स में से कोई सा भी इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। यानी अब यहां पे नाइदर के स्थान पर क्या होगा? नन का प्रयोग होना है। आइदर और नाइदर हम दो के लिए यूज करेंगे, और फॉर मोर देन टू हम वो किसमें यूज कर देंगे? दो से ज्यादा होते ही नाइदर किसमें बदल जाता है? नन में बदल जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस में किस तरीके से बात हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नाइदर और आइदर हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो से ज्यादा होते ही इनका प्रयोग नहीं होता। नाइदर दो से ज्यादा होते ही नाइदर फिर किसमें बदल जाएगा? नन में परिवर्तित हो जाता है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने हो रहे हैं। फर्स्ट है, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही बहनों में से कोई सी भी सुंदर नहीं है। अब यहां पर कोई संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, केवल सिस्टर्स बहुवचन दे रखा है। अगर कोई संख्या नहीं दे रखी तो आप नाइदर और नन दोनों को ही करेक्ट मानेंगे। अब आप अपनी मर्जी से इसको दो से ज्यादा नहीं मान सकते, आप ये नहीं कह सकते दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दो से ज्यादा ही है ऐसा स्पष्ट है क्या? ऐसा नहीं है। तो यानी नाइदर के साथ अब इसका प्रयोग सही है। अगर संख्या क्लियर कर देता कि दो से ज्यादा है तो ही हम नन में जाते, अगर संख्या नहीं दे रखी तो नाइदर और नन दोनों का ही प्रयोग सही माना जाता है। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई सी भी बहनें सुंदर नहीं है। नाइदर क्या बनकर यूज हो रहा है? प्रोनाउन। ऑफ के पश्चात बहुवचन आना है, बहुवचन ही है, लेकिन वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर, तो यहां आर सही है क्या? जी नहीं, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। नाइदर ऑफ द सिस्टर्स इज नॉट ब्यूटीफुल, क्रिया कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। इस वक्त भी ये सही नहीं है, लेकिन नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई सी भी नहीं, तो नाइदर का मतलब ही होता है दोनों में से कोई सी भी नहीं। यानी नॉट जो है वो नाइदर के अंदर ही छुपा हुआ है। नाइदर खुद अपने आप में एक नॉट का मीनिंग देता है, नेगेटिव शब्द है। तो जहां नाइदर का प्रयोग हो गया वहां उस वाक्य में दोबारा हम नॉट का प्रयोग भी नहीं कर सकते। अब ये वाक्य हमारा सही है, नाइदर ऑफ द सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, अब हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, नन ऑफ द ट्रेन्स आर ऑन राइट टाइम, ट्रेनों में से कोई सी भी समय पर नहीं है। संख्या नहीं दे रखी, यानी कि अब नन का प्रयोग भी सही है, यानी अब वो दो से ज्यादा ही है तभी नन हुआ है। नन क्या बनकर यूज हो रहा है यहां पर? अब प्रोनाउन। ऑफ के पश्चात बहुवचन आना है, बहुवचन ही है, लेकिन क्रिया कैसी होनी है? अब सिंगुलर की, तो यहां पर अब आर का आना सही है क्या? जी नहीं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? इज का प्रयोग ही सही होगा। नन ऑफ द ट्रेन्स इज ऑन राइट टाइम, अब हमारा सेंटेंस सही है।